कलमदान रखने का एजाज भी हासिल है। अब वो मुशीर खास हुकूमत तेलंगाना एससी एसटी ओबीसी वो अकलियत है। आज हमें ये एजाज हासिल हुआ है कि उनसे हम बातचीत करें, गुफ्तगु करें, चंद एक ऐसे मुल्क के हालात है और मसाइल है जिस पर हम आज उनसे बात करेंगे। मॉब लिंचिंग और बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दों को छोड़कर बीजेपी हुकूमत मरकजी इख्तदार वाली और इसके कायदीन सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुसलमान और तफरुहा की जो सियासत कर रहे हैं इससे मुतालिक इन खदावर कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू यूएनएन 24 न्यूज। शुक्रिया, बहुत बहुत सर। जैसे कि अभी देखने में माहौल ये चल रहा है कि सिर्फ बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बेरोजगारी, महंगाई और एम्प्लॉयमेंट पर कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मॉब लिंचिंग, यही सियासत कर रहे हैं, इससे मुतालिक आप? नहीं, आपका तजिया बहुत सही है। आधा जवाब तो सवाल में जवाब ही था आपका ही, क्योंकि 10 साल के अंदर मोदी जी से हिंदुस्तानी आवाम पूछ रहे हैं कि आप 10 साल की कारकर्दगी का हिसाब दीजिए। मिसाल के तौर पर आपने 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को मैं 2 लाख एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार से लगाऊंगा, 2 करोड़ हर साल, यानी 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार से लगाने का वादा करें। ये 2 लाख भी नहीं लगाए अभी तक, खत्म। दूसरा, उसके बाद आपने ज़राअत के ऊपर बोले कि मैं दुनिया में सबसे आला मकाम पे ज़राअत को पहुंचाऊंगा, वो ज़राअत तो पूरे को फेल होगी, और ऐसा कानून बनाए कि काला कानून लोगों में 700 लोग किसान मर गया वो कानून को हटाने के लिए, उसके बाद आपने कानून को हटाया। इंडस्ट्रीज अगर देखे तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री कांग्रेस के दौर में है, IDL, BDL, आपका BHL, स्टील फैक्ट्रीज, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको और बड़ा करने का बात नहीं हो रही है। तमाम एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर रहे हैं, नए रेलों को प्राइवेट में दे रहे हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लेग जा रहे हैं। लेकिन ये इसका जवाब नहीं देने के बजाय, इसका जवाब देने के बजाय उनके पास अब एक ही मुद्दा बच गया कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नौकरियां हिंदू मुस्लिम, अरे ज़राअत हिंदू मुस्लिम, मुल्क की तरक्की हिंदू मुस्लिम। चाइना के बॉर्डर पे आप अंदर तक, चाइना अंदर आ गया है हिंदुस्तानी बॉर्डर पे 2000 किलोमीटर के करीब है, हिंदू मुस्लिम, यानी उनके पास एक ही जवाब है, हिंदू मुस्लिम। मैं कल मोदी जी को पूछा खरोटा की मीटिंग में, अरे देश की आजादी में तुम्हारी पार्टी नहीं थी, ना विश्व हिंदू परिषद था, ना हिंदू महासभा था, ना ये लोग कभी मुल्क की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिए, लेकिन आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का कांग्रेस का साथ नहीं दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी ये लोग उसके खिलाफ थे, तो ये लोग नाखून भी शहीद नहीं करे, लेकिन आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। जबकि मुसलमानों में मौलाना अबा आजाद से लेकर ऐसे कई हमारे उलमा है, हमारे सियासतदान है, हमारे अकबरी ने जेलों में रहे, सड़े और आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिए, तो आज ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम, तो हम कहां दूसरे देश में ऐसे आए क्या? इसी देश की पैदावार है, इसी मट्टी में हमारी भी पैदावार है, तुम जहां पैदा हो हम भी वहीं पैदा हुए। तो मगर मोदी जी यही चाह रहे कि 2 इलेक्शन में कुछ नहीं करे, अब एक मरतबा हिंदू मुसलमान की लड़ाई में लगाओ और रिजर्वेशन पे। अब जो मेरा कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ रिजर्वेशन अब देश का मुद्दा बन गया है, सारा देश आज पूरा बात कर रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा बोलते हुए ये बात कही थी कि उनके RSS के एजेंडे में है कि हम रिव्यू करेंगे कि SC ST OBC का रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए। सर, जैसा कि आप बता रहे थे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो ये सिर्फ मुस्लिम जात की बुनियाद पर नहीं दिया गया, आप हमसे बखूबी वाकिफ है हमसे ज्यादा, क्योंकि इसके रोए रवा आप ही है, कांग्रेस पार्टी ही है, तो ये माशी एतबार से दिया गया था। मैंने बार बार कहा, लास्ट टाइम अमित शाह को नोटिस भी हमने सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पर पटन पटा ललकार लगाई थी कि आप इस तरीके से जब मैटर सब ज्यूडिस है पब्लिक मीटिंग के अंदर आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम निकाल देंगे कर देंगे, तो उनके एडवोकेट मुकुल रोहित जी जैसे बड़े बड़े होता ने कहा नहीं, हमारे अमित शाह ने नहीं किया, ऐसी पेंडिंग है। अब मैं खुद भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट में ये इनके खिलाफ मोदी जी के और अमित शाह के कि ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में कर रहे हैं, जबकि
ये रिजर्वेशन मजहबी बुनियाद पर नहीं दिया गया है, मुसलमान के नाम पे नहीं दिया गया है। ये रिजर्वेशन सामाजिक तौर पर पिछड़े मुसलमान पसमानदा मुसलमानों को ही ये रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें देखिए ये रिजर्वेशन ये सैयद को नहीं है, पठान को नहीं है, मुगल को नहीं है, अरब को नहीं है, ईरानी को नहीं है, शिया को नहीं है, नवायत को नहीं है, बोरा को नहीं है, तो ऐसे 14 लोगों को इसमें नहीं है। जो वो पेशे के एतबार से धोबी, खसाब, हज्जाम, चमड़े वाले, स्किन मर्चेंट से लेकर ऐसे 22-23 पेशे है जो पेशे के बुनियाद पर ही इनको रिजर्वेशन दिया गया है। ये बात हम बार बार बोले लेकिन इनको भी मालूम है कि ये रिजर्वेशन मजहबी बुनियाद है, मगर इनको तो जज्बात में लाना है हिंदू भाइयों को, और ये कहेंगे तुम्हारा हक छीन के दिए। हम छीने नहीं हक, ना अदालत में हमारे खिलाफ में ना आज तक ना दलित भाई कोई प्रोटेस्ट करे, ना हमारे आदिवासी, ना हमारे बीसी भाई, कोई भी हमारे ये रिजर्वेशन 5 और 4% पे नहीं गए। खाली आरएसएस और बीजेपी जनसंघ माइंड वाले गए, लेकिन अदालत में कोई तंजीमें बीसी तंजीमें हमारे अगेंस्ट में अभी तक 17 साल में कभी एप्लीकेशन नहीं आया कि इनका रिजर्वेशन खत्म। क्योंकि अब जो मौजूदा आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश था वो रिजर्वेशन का पैटर्न है 22 BC 16 SC और 6 ST दोनों का मिलाए तो 46% है, हमारा मिलाए तो 4 50, सुप्रीम कोर्ट भी 50 बोला, तो 50 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर पेंडिंग केस है हमारा। पेंडिंग में भी आज उनको ये मुश्किल दिख रही है कि जिधर देखो उधर मुस्लिम बच्चों में तालीम हो गई, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बन जाने से वो लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये तालीम याफ्ता कौम बन रही है। वो हमको यही देखना चाह रहे कि बंडिया, चिकन की दुकान, मटन की दुकान, छोटे छोटे कारोबार, सड़क पे कारोबार करते जिंदगी गुजारे, ये आला ओहदों पे ना पहुंचे, इसलिए इनका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो मैं आपके जरिए मैं जो कौम की और मिल्लत की सोच रखने वाले तमाम लोगों से कह रहा हूं, समझो, उठो, जागो और ये रिजर्वेशन को बचाओ और अपना वोट का इस्तेमाल करो, वोट की ताकत बताओ, सेकुलर जमात को जिताओ, और अगर नहीं उठेंगे तो मिट जाएंगे। सर जैसा कि अभी बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है कोई बात करने के लिए आवाम का, जैसे कि यूपीए में 2009 तक 14 तक भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुस्लिम थे, हामिद अंसारी साहब नायब सदर जमहूरिया थे और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब सदर जमहूरिया थे हिंदुस्तान के, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अब जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया भी हिंदू है, अब ये लोग का नारा है कि हिंदू खतरे में, इससे मुतालिक क्या कहेंगे? ये भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है उनका। देश के अंदर अब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं पूरे के पूरे गैर मुस्लिम हैं, देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर, देश के सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया, आप जैसे बजाय फरमाया, सारे के सारे ये गैर मुस्लिम हैं, तो फिर कैसे हिंदू खतरे में हो सकता? पूरा इख्तदार उनके पास है, ये एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं है कोई एक स्टेट में, ना कोई बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर, पूरी सेंट्रल में एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, तो हम कैसे हुकूमत छीनेंगे? ना फौज में है, ना पुलिस में है, ना इख्तदार में है, ना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, हम कहीं है ही नहीं। सर इन्होंने सिर्फ मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा करके जो कट्टर हिंदू होते हैं उनके जहन को भटका कर वोट बटोरने, वोट की सियासत करने के लिए ऐसा चाल चली जा रही है। वो चाल में हम नहीं आना चाहिए। लास्ट टाइम निजामाबाद के इलेक्शन के अंदर अरविंद बूथों पे आए, अब जो एमपी है यहाँ के, तो हमारे लोगों ने चीखना पुकारा शुरू करे, वो व्हाट्सएप मीडिया जो है वो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप, बीजेपी की यूनिवर्सिटी, बोगस यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी, वो लोगों ने मिनटों में चला दिएगा मुसलमान एरियस में हमला हो गया हमारे अरविंद के ऊपर, तो काया पलट गई। अब हम लोग भी जज्बात में आने के बजाय, मैं भी कल भी हमारे तकरीर में कहा हमारे बूथ लेवल के लोगों को, बूथ में कोई कैंडिडेट आ रहा है तो खाने तो वेलकम करो, आइए भाई, आपका काम आप करो, हमारे काम हम करेंगे। बात हो गई क्या उन्हें जाते क्या बूथ में वोटा बदल जाते, कैंडिडेट घुस गया था, अब मैं गया था मेरे बूथ का बूथ चेंज हो जाता क्या? ऑफिसर करे जाते पूछ लेते क्या है, आ जाते, खत्म होगी बात।
उसको चीज जज्बात में आते व्हाट्सएप में चले जाता पूरा, उससे हमको नुकसान होता। अब तक हम लोग भी जज्बात से नहीं, अब होश हवास से काम लेते हुए, ये इलेक्शन बहुत ही हमारे दस्तूर पे हमला हो रहा है, मुल्क पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, उसको बचाना है और हमको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वोट का इस्तेमाल करके ये जंग अब तलवारों की या तोपों की नहीं है, ये जंग अब वोटों की जंग है। वोटों से जंगें जीती हैं, जंगें हारी जाती है। अब वोट ही बदल सकता है। केसीआर कल तक समझे कि मैं मर गए तक मेरा और बेटे के सिवाय सूरज नहीं डूबता, ऐसा ही समझे कि हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। तो इसी तरीके से मोदी जी भी समझ रहे कि मेरे ही चलेगा, मैं एक ही नारा हिंदू मुस्लिम का, ये नारा चलने वाला नहीं है। अभी जो दो राउंड पोलिंग हुए दोनों के अंदर भी इंडिया का जो अलायंस है वो काफी बेहतर मुजाहरा किया है, 300 पार ऐसा सर्वे रिपोर्ट में बताया जा रहा है, और जबकि मोदी का नारा है कि 400 पार। नहीं, मोदी जी ने ओपन कहा कि दस्तूर में बदलना है तो मुझे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 2/3 मेजोरिटी के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। और खाली नारे देके कह रहे हैं कि भटका रहे हैं कि आपके बाहर 400 सीट तो नामुमकिन है, और इंडिया अलायंस जो अब जमीन पे है और पहली दफा है कि अलायंस के अंदर कोई झगड़े नहीं हुए और अलायंस टूटा नहीं, सब अपने अपने जगह पर मजबूती से काम पे लगे हुए हैं, और वोटर्स को एक एक वो भी दिला दिए हैं कि यकीन कि हम लड़ रहे नहीं भाई, हम सब मिलके हैं, हम मुल्क को बचाना है, दस्तूर को बचाना है, हम एक को एक कुर्बानियां दे ले रहे हैं, हमारी सीट तेरी सीट के झगड़े में जाके कर रही है, ये भी पहले इत्तफाक है, वरना ये मेरी सीट में उन्होंने तो टूट जाते थे अलायंस, लेकिन टूटा नहीं, मजबूती से डटा हुआ है अलायंस। सर जैसे कि कांग्रेस का मंशूर है और इसमें कई वादे किए जा रहे हैं, मरकज का इलेक्शन है, अब ये जिम्मेदारी मुल्क भर के एक सरबराह को चुनने की भी है, ना सिर्फ एमपी बल्कि जो एमपी चुने जाते हैं इनसे मुल्क का जो सरबराह होता है जिम्मेदार शख्स, जैसे जिसे वजीर आजम हिंद कहते हैं, तो इससे मुताबिक आप क्या कहेंगे हमारे राय दे हिंदू कि वो अपना वोट का मुत्तहिदा तौर पर इस्तेमाल करें? देखिए, खुली जंग पहले तो बंद मुट्ठी होती थी, अब तो ओपन मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि और भी मजहब का नाम लेकर ऐलान करके मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे जिस्म में दम है जान है मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करके रहूंगा और कई दूसरे रियासतों में रिजर्वेशन देने नहीं दूंगा, तो ये ऐलान जंग कर दिया उन्होंने। तो अब ऐलान जंग से लड़ने की ताकत किसके पास है? कांग्रेस की है। कांग्रेस ने कहा कि नफरत के बाजार को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उन्होंने 4,000 किलोमीटर का दौरा कर चुके हैं, और आपके सामने है कि प्रियंका जी कैसे लड़ रहे हैं, राहुल जी कैसा सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब खड़गे साहब उतने उम्र में होने के बावजूद उन्होंने अपने तजुर्बे से कैसा डटकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, तो अब हम एक जगह होना जरूरी है, और ये मुकाबला वोट के जरिए होते हैं। आपके जरिए भी नाजरीन को मैं कहता हूं कि आओ उठो, हाथ से हाथ मिलाओ, वोट के मुझसे हम अपनी ताकत का मुजाहरा करिए और सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर साहब आपसे मुखातिब थे हमारे चैनल के जरिए, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया, हिंदू मुस्लिम तफरुका में ना पड़े, और हमारे सेकुलर जो हिंदू भाई है उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि वो दस्तूर की बका और हिंदुस्तान मुल्क की बका, तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अपना वोट जरूर करें, मुत्तहिद होकर वोट करें और सेकुलर जमात और सेकुलर कायद को जिताएं, ताकि आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सके। और ये मॉब लिंचिंग जैसे कि खातिन को बरगना करके परेड कराना, ऐसे वाकयात का तदारुक हो सके, इसके लिए आप मुत्तहिद हो और जो सेकुलर जमात है, नेशनल जमात है, इसके कायदीन है, इनका भरपूर साथ दें और इनकी तायद करें। और 13 मई के दिन अपने अपने घरों से खातिन बुजुर्ग जो 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं, लड़के लड़कियां जरूर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पोलिंग बूथ पहुंचने के लिए आपको पोलिंग चीट की भी सहूलत फ्राहम की जा रही है, पोलिंग चीट जरूर हासिल करें और अपना हक रायदेही का 100% इस्तेमाल करते हुए पोलिंग परसेंटेज में 100% इजाफा करें, 100% पोलिंग करते हुए मुत्तहिदा होकर पोलिंग करते हुए सेकुलर जमात और सेकुलर कायद को मुत्तहिद करें।
अब दे इजाजत यूएनए 24 न्यूज के लिए, मैं सोहेल खान, अल्लाह हाफिज।